यूपी के हमीरपुर में यमुना नदी पर पावर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट माम गंगी परियोजना के तहत बनाया गया है, लेकिन पिछले महीने बाढ़ के कारण इसके पिलर टूट गए और बाढ़ का पानी घटने के बाद परियोजना की जांच शुरू कर दोबारा निर्माण कार्य शुरू किए जाने की तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नमामि गंगे के तहत जिले को 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दिए गए थे, जिसमें कुरारा और हरोलीपुर वाटर प्लांट का कुछ हिस्सा बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसको लेकर कार्यदायी संस्था के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। हमीरपुर से संवाददाता सत्यम सिंह की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री की अति महत्वाकांक्षी योजना नमामि गंगे परियोजना को भी जिम्मेदारों ने भ्रष्टाचार में शामिल कर लिया है। जिले के हरौलीपुर स्थित 242 करोड़ की लागत से बन रहे वाटर प्लांट के 4 पिलर क्षतिग्रस्त हो जाने से नमामि गंगे परियोजना को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि जिले की कई ग्राम पंचायतों में वाटर प्लांट के तहत पानी पहुंचाने का कार्य किया जाना है, लेकिन निर्माणाधीन वाटर प्लांट के 4 पिलर क्षतिग्रस्त होने से भ्रष्टाचार की चर्चा जिले में जोरों से है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ सत्यम सिंह, हमीरपुर।